संगीन खनुका किनर बोहा को किनर खिलाड़ी प्लेयर को हजुरना कथा तहे करा उनको बकुल से दरदाई दा कारण थे लुको तो नहा छे छे गोटे के देखू कटिया मीटर टीम खन छे प्लेयर को तहे ना आर नुंकाना गति हिउ कन बिया बोहाया आलोपो बेना छे छे गोटे गति हिउ कना बंगाल तो पांच गोटे हको गतिया पांच गते मात्र पांच गोटे गते आनवा तो मन के नाइन साइज तो बांग्ला तो सिक्स साइज मैच करा आदो बंगाल रे जब की फाइव साइज सिक्स साइज सेवन साइज मैच हुआ तो उनार तो जहाल करना ऑफसाइड बकू गति है लेकिन वहां तो ऑफसाइड मैच की है ना जो तो रूल्स जो तो कंडीशन वार तो अप्लाई है ना लेकिन बंगाल रे सिक्स साइज फाइव साइज सेवन साइज मैच तो ऑफसाइड ना जहां रूल्स की बांग है ना और तो जहां तीन गोल और नुको अडी मोज परिचय को प्राप्त है तबुना और चारों ओर से कौन भी दो मुन थाई उपा कम से कम बुहा नुकना गति में तीन थोड़ा पे नियल बढ़ाओगा कम से कम थाई तबुन पे तीन तो पेंजोसी बांग ही जरूर करा एकदम थाई उपा नुकुमा हौसला थोड़ा अपन उपजाए या ताकि नुकु मैच मोचने को गति दरिया आज नुकु लगे यारों जो है कमिटी बुला पे एकदम सामग्री बार ट्रे था एकदम धोखा पे जैसे कि धार लगती होगा तुरंत पे अमाव को एंटे नुकु तो पहल धार नुआ ग्राउंड को गति करना एंटे नुआ को नहर दो एटा ग्राउंड को गति करना है स्टेज को तो तेहेन दो नहा ना फुटबॉल ग्राउंड बोल जले को कई नुकान मना को अबरन किनर बुहा को आ रेडी भगना कथा करा आबू भगन होड़ करा बोल जनवा तेही शहरी ग्राउंड नुकाना टूर्नामेंट जेल लगी नोडे एमिट अफसर बोल जाम का क्या मंथन कर रहे हैं मैच को जीतने के लिए ऐसे तो हमने वर्ल्ड कप में भी नहीं देखा है ऐसल में भी नहीं देखा है पहली बार शहरी में हम देख पा रहे हैं कि बैठ करके प्लेयर्स यहाँ पर मंथन कर रहे हैं मैच को जीतने का हडल कर रहे हैं और ये गजब का हडल है एक बार गोड्डा टीम के लिए ताली होना चाहिए गोड्डा टीम के लिए गोड्डा टीम के लिए और गेल बड़ा का क्या बोल जे मैच तो हम लहारे अडी मोज चुंग गते मीठे अडी मोज को के जपम गते को गाल मरवा जे तीन वा मैच दो एकदम मोज से बुन गते यार मैच बुन जीतवा मेन खान नुकु प्लेयर्स पहिल धाव नुका नेल के को अडी मोज को दुड़ु जपम ना ओने बलाया सखाया को दुड़ु जपम लेका आर को गपाल मराव के दा जे जहां जहां पोजीशन खन बुन गते जे बुन जतो की अपना रा रोल बाखू पे बुन निभाव दड़िया नुका ना हदम दो पहिल धाव नेल जमदा आर आई भाई मई सराव का नुकिन बना टीम रन प्लेयर्स को और सुशील मुझे लगता है कि संथाल परगना में पहली बार यहाँ शहरी के ग्राउंड पर इस धरती पर ये किन्नर भाइयों का टूर्नामेंट हो रहा है तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि आज का टूर्नामेंट और खासकर कि इस टूर्नामेंट को जो आयोजन किया है मैं बार बार उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो है हमारे शहरी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य संतु हंसदा जी बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ पेश किया उन्होंने कम से कम ये समाज में जिस तरह रहते थे इनका भी हक बनता है कि हम भी खेल में हो या भी और किसी चीज में पार्टिसिपेट करें तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ संतू ने बहुत ही अच्छा काम किया है कम से कम उनको भी खेलने का मौका मिलना चाहिए उनको भी एक समाज से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए और मैं यहाँ पर कमल भाई जी से भी जानना चाहूंगा कि आज के दिन में ये भी यहाँ पर आज के इस आयोजन में शरीक हुए मंच पर ये भी यहाँ पर शरीक हो चुके हैं मैं कमल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस फाइनल के समारोह में बढ़िया शरीक हुए तमाम दर्शक दीर्घाओं को बताने का प्रयास करेंगे कि आज इस प्रकार का जो आयोजन यहाँ पर आयोजन कमेटी के द्वारा किया गया है इसमें आपका क्या राय है कमल जी आप अपने शुभ वाणी से यहाँ पर एक दो शब्द रखने का प्रयास करेंगे कमल भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बेस्ट कमेंटेटर सुशील जी को और सबसे पहले तो देखिए मेरे गांव के जो रिंकू दादी उसका नाम जिक्र किए जो संतू जी है जो पंचायत समिति जी है मैं उसको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा आज जो है पूरा संथाल परगना में ही नहीं बल्कि यदि देखा जाए तो जितने भी दूर दराज से आए हुए सभी दर्शकों का आज दिल जीत लिए हैं और ये जहाँ तक हमको लग रहा है शायद संथाल परगना में जो है आज इतिहास के पन्नों में आज नाम दर्ज होगी कि किन्नर भैया भी कम नहीं है और मैं सबसे ज्यादा जो है संतू जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आज किन्नर बहनों का भी आप हौसला बुलंद किए हैं ये लोग का जो है आज खेलने का आपने मौका दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे संथाल परगना में टूर्नामेंट आयोजन कराते हैं मैं उन लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है किन्नर भैया को इसी प्रकार से मौका दे ताकि किन्नर भैया का भी दिल जीते ये धन्यवाद भाई कमल भाई और तरीकी नितो नुखवा गाती जेल कहते हैं
इन दिसया कलिदासपुर सगार रेस आर पाकुड़ उदमना कांडादीपिल हपराव जब जब नुआ को कंपटीशन तहना पाकुड़ क्षेत्र रे तो होर नुंका को जरवा मेनखान सहरी तेही नुको किनर बोया को गाती आयोजन कते नुआ रिकॉर्ड है थोड़ा उतर किदा कमल भाई नुआ बहुत रासी हम रोड तो बोला चल का उका तो पाकुड़ क्षेत्र रे फेमस आ सगार रेस और कांडा रेस उनका की नितो को बुझौदा उना को रिकॉर्ड है थोड़ा उतर किदा कहीं ना कहीं सहरी तेही अंदर नुको आयोजन मात्र मीट मैच के हिउ कना बनकर दर्शक को उका जनसेला देलो कान कहीं ना कहीं नुआ मैच जेल लगे अड़ी जस्ती एक्साइटेड को है कना और उका तेही उना उका मीटे आशा है कना ना पूर्व नंत को तो निश्चित रूप से ना नुआ मीटे रिकॉर्ड बनाओ कना सरगे एमआई बासर सुशील जी जहां तीन जे लगो कना सरगे मेता में जिंदगी रे पहिदा मिले नकना खिलाड़ हेल जों कना संताल सर जाना रे संताल सर गंदे झारखंड तीन बय जों का थेना नुकना खिलाड़ होयु कना मेंते आर नो सरी अपरे ला लेफ्ट मान से नो आयोजक मंडल ये जतोर को सराव जे ओकना जरा अंत नुकना जिला को हुदिस नाम किया जे बांग तीन अपरन किनर बुहा को नुकना गाती रेना मौका के माव को जैसे तीन अब जो और बनाया गया ये पाकुड़ जिला अपना मिता में जितो कन फेमस जैसे बांग येल का जिनिस जहा दो सागर रे सुना जम का या कंदसपुरा तुर रे हुईवा साउथ कनारे सो अडी मजोडे हुईवा अदो नी लगातार येल लखन पाकुड़ जिला ना कंदसपुरा तु दो सारे की अडी फेमस के अडी गा नाम देते आतु गना और ओना लगे के ओना फन थिंग कम बांग थे आतु हो जा येल को करा हालांकि ग्राउंड का वॉइस सपोर्ट बाटा का दर्शक ये मुझे लगा गना बोले नोआ हो एकदम मिटेन इतिहास रे तुम लोगवा सेम टाइम रिकॉर्ड बना करना बोले बांग सहरिया तो बांग कोमा और आशा तो एक करना नोआ जिमोन नोआ आपने सवाल बनाओ को जिमोन नोआ बरकरार को तो है और हो हिजू काम दिखे बनोगा तो हिजू और नोगा के जिमोन सुर संगीन कौन दर्शक क्षेत्र के पे जिमोन नोआ तू रना रोनो को बनाओ कमल जी अड़ी मौज मौज कथा लिया बुना और सच में यहाँ पर आज कहीं ना कहीं लोग इनको नजरअंदाज करते हैं हमारे किन्नर भाइयों को किन्नर प्रजाति के जितने भी हमारे भाई हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी हक बनता है जिस प्रकार से हम सब को कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जगह मिलती है हर चाहे कंपटीशन हो चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो इनको भी उस जगह पर इनको भी जगह मिले तो कहीं ना कहीं इनको भी अगर ऐसा अवसर दिया जाए तो ये भी वहाँ से अपना पहचान अपना एक अलग छाप छोड़ सकते हैं अपना पहचान बना सकते हैं तो मैं यही कहूँगा हर एक इंसान का अपना एक सोच होता है अपना एक उनका भी सपना होता है कि कहीं ना कहीं मैं दुनिया के सामने कुछ बेहतर करूँ मेरा भी एक अपना अलग पहचान हो मैं भी जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ से ऊपर उठ करके मैं अपना एक अलग पहचान बना सकूँ इस प्रकार का यहाँ पर आयोजन के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के हमारे अध्यक्ष महोदय संतू जी को कि कहीं ना कहीं इनको भी एक जगह ऐसा दिया है जहां से ये अपना पहचान अपना यहां पर कला प्रदर्शन कर सकते हैं मैं यहां के कमिटियों को यहां के अध्यक्ष को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रकार के आयोजन के लिए इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखना दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान बनाए रखना अपने नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखना दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान बनाए रखना अच्छे नहीं लगते हो जब रहते हो उदास अपने होठों पे सदा वही मुस्कान बनाए रखना तो निश्चित रूप से जब इनका पहचान बनेगा तो निश्चित रूप से हर एक जगह लोग इनका चर्चा करेंगे और इनको भी सम्मान मिलेगा जिस प्रकार से हम सबको मिलती है तो निश्चित रूप से आज एक रिकॉर्ड बीट ये आयोजन इस शहरी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर तो यहाँ पर सच में कहते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है जब जब इतिहास से किसी से हंसा है तब तब इतिहास उसी ने रचा है तो निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों पर जरूर इनका जिक्र होगा कहीं ना कहीं यहाँ से जैसे ही यहाँ पर ये टूर्नामेंट संपन्न होगा निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहले मैंने कहा जितने भी यूट्यूबर भाई हैं जिनके द्वारा इस मैच को कवरेज किया जा रहा है उस चैनल पर जैसे ही ये मैच अपलोड होगा निश्चित रूप से रात से ही इसका चर्चा हर संथाल परगना के हर एक क्षेत्र से यूट्यूब चैनल पर इसका चर्चा किया जाएगा तो बहुत बड़ा एक यहाँ पर पहचान एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है और ये भी आशा कमिटी एकदम सलाह सुलूक करते हैं उनका जबरदस्त दोबारा एकदम झगड़ा लिखा दोबारा बैठ बैठे सलाह बुझे करते कि उनको मियारी चुकू पे और तीनों बोहा को बना पे आपे हाँ दया दुलर तुमको बुझे चुके पे आपे अशोक कहते हैं बै बैठे मियारी तबुन पे जहाँ लेकर झगड़ा झंझट आलो पे क्रिएट तबुना और
मैच ना अगला विश्लेषण लगी नुडे मार्सेल जी नेवता या नुवा मैच ना अगला विश्लेषण या लिठू राग माध्यम थे आप जो तो कोई ले सडी थे मार्सेल जी माइक्रोफोन दिलावे सारी रहा कथा तीन बुझे बोल नोड़े तीन दर्शक ज्यादा तादाद ग्राउंड बढ़ाए थे अपेक्षा हुई जस्ती संख्या तीन सीधो कानू युवा स्पोर्टिंग क्लब स्टेडियम छोटा सा स्टेडियम से कटी मछा ग्राउंड बेंचे दर्शक से खचा खच फिर जो बेंचे तो नोड़े कोई सरीगी तीनों तो जिंजन बुझा मिश्रा को गो बाबा को आर सुर संगे सेटर कान सनाम फुटबॉल प्रेमी को इन दुआ टूर्नामेंट ट्रेन जूनियर कमेंटेटर मार्सेल हस्ता साव संगे ते दुआ टूर्नामेंट ट्रेन मुख्य कमेंटेटर सम्मानित सुशील कुमार था और मेरे सीनियर और ग्रुप ले यहाँ पर सीनियर कमेंटेटर रिंकू था हम सभी तीनों कमेंटेटर्स के तरफ से और साथ ही साथ इस सीधो कानून जो आज स्पोर्टिंग क्लब इस क्लब के तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को सभी ऑडियंस को दिल से धन्यवाद देते हैं दिल से सलाम करते हैं आप सभी का पूर्ण स्वागत है इस मैच पर एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 नुवा शहरी ऐतिहासिक ग्राउंड रे नुवा टूर्नामेंट रे फादो तिही नुवा फाइनल दिन रे ओकादो मानोत मची रे सेटर कान अबुरे मानोता नेवता पेड़ा को एना तक मेन के जैसे की गुका सूची हा नुवा कमेंट रिबूत हजुआ आपे समांग सना कुछ बढ़ाई चुपुना सा संगे ते उंगवा डी मानोता दुलुर सलात नुवा कलब से को अतंग दाम तहना आ रोडे कोई नुकीना दुआ पहिला हाफ रे समय दा मुझे दा मध्यंतर का समय यहां पर हो चुका है गरो गना का को खोनवा से तेरो गना बड़ा चो बुना बी बार अटी दिन बड़ा अंधारे बिना बुना आ नवा सा संगीत की क्या बिसिम दुआ बेच रे दिन नायक रेफरी नोडे कौन बासकुस जी और नुकवा सेकंड हाफ प्रिया नोडे कौन ए टॉप की को गना दुआ बीच रे तीन नंबर अटीमो लहा से भी तो ताने से खुदो कर गया के एक बार जोरों की तालियां होना चाहिए बड़ा ही खूबसूरती सा गोल यहाँ पर जर्सी नंबर 3 पानी और यहां से तेरेसा मुर्मू 3 नंबर जर्सी पहनी खिलाड़ी मैगी गोड्डा की तरफ से पहला गोल ये सेकेंड हाफ का मैच में बड़ा कृतिमान ये खिलाड़ी ने हासिल किया है और यहां पर विपक्षी टीम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं हालांकि इस मैच में काफी समय है क्या वापसी गोल होगा कि नहीं जलाल जर्सी नंबर 7 पहनी खिलाड़ी वहां पर और मीठे को गोल करना देखो मैगी गोड्डा टीम रन खिलाड़ी और लकुटा तो भी क्या और को गोला सारिया समय रेके होयवा आ तो एना तो तीर रे येले वालों को खिलाड़ी को बोलो का दया एते उका तो कुड़ी को मैच बुन येल के दास से कोड़ा का मैच हो सपरा रिया तो तौर तरीका कुछ अलग गया उनको तो जर्सी और बूट्स को होरोगा मैं का नेटा लिखना सपरा तो उन बाकू दिया रहा मैं का लकु खिलाड़ी को ये तो बुन येले को
जुदा पहचान मेना हीरो आईएसएल रे हो बांग से नो इंटरनेशनल का दो फीफा वर्ल्ड कप में जीत गुना नोवा रे हो का दो ए तो हो बे जे तो को पत्ते रे का दो हटला ए हो का दो बोले नांद की बेन से बड़ा चुके गुन बोले बे जे तो रहा रे हो का दो हमको चपात में चपात सिंगू कते नीचे यो देखो ए कसम को जो मा जमन गुन जीत बेन का लुकु खिलाड़ी नाडो को नेल ला मेखी नोवा गोडा रे दुरु पते एकलते बाराया सकायल का को दुरु जपादार दो जहां दे कर रंगे जों का लेका को गोल को सोल को के दा आर को जितो को दा मैच मी दे को गोल कदा अडी न पाया एमा एमा सथा नो देखो आर नोवा बीच रे ओडे कोन थोड़ा गान पसे गलत तरीके ते उनी को रुकावरे को करू मुटो किदा आर नाय ते देखो फाउल रे संकेत हुई कदा पतुआ टीम जीते कना आर नोडे को जीत जीत के खबर बढ़ाया कना कुंजुया तिही जा का तो जींदो रिया लाइव शो रिया प्रोग्राम तो हो कना टीम जीत बोला तो बांग माडेर तो बांग अडी लाख गिले बढ़ाई चुका पिया तीन खोई द्वार या उका दो प्रचार प्रसार यु कांथे उन पई गिले सुचित का पिया जे फाइनल दिन हिले मिता मैं जींदो से तो हां आ रोडे को गोल हुआ से बा मेन खानो देव फाउल रिया कुर्सिल सडी ना बिसिल सडी ना बासु किया ओडे पसे एमा होत को एसे लो कि दिया जनी आ रोडे कोई फाउल हुई कना छोडरे आर अडी मो चांस को जाम करा नी तो रोडे को जलाल टीम रे रोडे को आ जरा दे जेल कना छोटे लगा पा नो खिलाड़ी आ जा टीम लगी नोडे जदी गोल एक आठ आई को तो बे नोआ मैच को बराबरिया आरे दी मोसो बेंखान थोड़ा गान बाहर ही होते चलावना गोल पोस्ट को जजम न खाते बाकाय तो मी तेज अडी सुंदर गोल हुई को आर नो साव सुगे ती की मैच बराबरी को आर ओका तो डायरेक्ट सो या तीन गोल को काई बढ़ाई चो बुना लोगो तो सेपेल सेटर को ना सिबिल सोडम जेएस ऑर्केस्ट्रा डाइट थमका सिबिल सोडम जेएस ऑर्केस्ट्रा डाइट थमका 10 बजे इंदो कोई नुको दुबा स्टेज चितान रे कप्तान के नगे अकुआ एनए श्री संथाली हिंदी भोजपुरी आ रकुआ नाटक माध्यम ते अबु सनाम पुरस्कार उपाज चुबुडा नवा दो फ्री तो तहेना बिना टिकट गोडम ते जहाना टिकट बंग लगाबा पैसा बंग लगाबा फ्री सो तहेना फ्री ते आपे तो हजु पे आ रुका तो दुरुप रे ठई तहेना ओने दुरुप कते उना प्रोग्राम इंदो पे नेल संगे दरेवा नक पे दिसो दो का नवा दो निदोरिया प्रोग्राम ताई करा पीछे जाना पे इसको दिक्कत हो तो बांग दो तीन बांग दो बांग दो बांग दो बांग दो बांग दो और यहाँ पर मेरा साथी या सीनियर कमेंटेटर जिसको मैं अपना गुरु तुल्य माना हूँ माइक्रोफोन पर मैं उनको स्वागत करना चाहूंगा सम्मानित रिंकुंदा आगे का विवरण दे और यहाँ पर एक शून्य का रेशियो है इस मैच पर तो क्या वापसी गोल होगा या यहाँ पर मैगी गुड्डा और एक गोल दागेंगे और ये मैच कौन सा टीम जीतेगी ये अनुमान के आईने में क्या आपको लगता है रिंकुंदा आगे का टिप्पणी के लिए हेलो और बहुत बहुत धन्यवाद मार्शल आपने अपना सुधीर बानी मिठास वाणी के माध्यम से और कहीं ना कहीं इतने सुंदर ग्राउंड पर इतने सुंदर जमावड़े के बीच में आपने लोगों के बीच यहाँ के मैच का आंखों देखा हाल सुनाने का जो प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है। मैं आपका और हमारे सपोर्टिंग सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर सुशील का और साथ ही साथ इस ग्राउंड का जो निर्माण इस ग्राउंड में जो भीड़ का निर्माण किया है और इस खेल का जो यहाँ पर ऐतिहासिक क्षणों में पन्नों में दर्ज करवाने का जो प्रयास किया है मैं यहाँ के पंचायत के शहरी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य संत हंसा जी को भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और मैं बताना चाहूंगा मार्शल ये इस तरह का खेल
बिहार और उत्तर प्रदेश में चलता है, लेकिन संथाल परगना क्या पूरा झारखंड में मैं पहली बार इस ग्राउंड पर किन्नरों का ये खेल देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह का भीड़ शायद शहरी का इतिहास में पहले कभी भीड़ नहीं हुआ था, क्योंकि हमें पता है मैं खुद कमेंट्री के क्षेत्र में जाता हूं, तो इससे पहले मैं पेट करता कि जैसे मंच से खड़ा होकर कमेंट्री करना पड़ रहा था, क्योंकि भीड़ इतनी काफी थी। यार आज यहां साहेबगंज जिला के पत्ता पर के ये शहरी पंचायत के शहरी ग्राउंड पर मुझे खड़े होकर कमेंट्री करना पड़ रहा है। इस बात का संकेत साफ सुथरा है कि यहाँ भीड़ काफी हो चुकी है। सिर्फ हमारे भाई दोस्त और चाचा लोगों को नहीं, बल्कि माता बहनों का भी इतना जोर काफी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि शहरी में इससे पहले कभी इतना भीड़ मैंने देखा नहीं। और सिद्धू कानू युवा स्पोर्टिंग क्लब शहरी के जितने भी कमेटी सदस्य हैं, आप किसे आकर के मंच की ओर आने का प्रयास करेंगे? आपके जो अध्यक्ष क्लब का कमेटी का संत हंसा का ये निर्णय है कि आप जहाँ कहीं भी हैं मंच के सामने आने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से 10 नंबर के जर्सी पर बॉल के पीछे भागे, क्या बॉल कंट्रोल करके पुनः दूसरी गोल की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्त वहां से रिटेनिंग 2 नंबर के जर्सी पर खेलते हुए खिलाड़ी बहुत सुंदर। और देखिए जब तक 9 नंबर की खिलाड़ी बॉल को अपने ग्रिप में रख पाते, पुनः एक बार यहाँ कोटा की टीम दूसरे गोल की तैयारी पर, और क्या देख रहा है दूसरी गोल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉल धीरे धीरे जाएगी यहाँ से सीधे टच लाइन की ओर। और लोग काफी उत्साहित है, काफी खेल का मजा ले रहे हैं, काफी रोमांचक भरा खेल देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिन में शायद हम सोच पा रहे हैं कि यहाँ दो नहीं कम से कम 4 या 8 टीम का खेल होगा इन किन्नरों का। और चलिए इसी के साथ मैच का समाप्ति, और यहाँ गोड्डा की टीम जीत हासिल हो गया है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए गोड्डा टीम के लिए।